नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। सभी लोग नवरात्रि के 9 दिनों में जमकर खरीदी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ कि क्या खरीदने से कौन सी कामना पूरी होगी। दूसरे शब्दों में, किस कामना की पूर्ति के लिए इन 9 दिनों में क्या खरीद कर घर लाएं, तो चलिए जानते हैं। यदि आप पाना चाहते हैं आरोग्य, यानी कि बीमारी ना हो, तो नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी लेकर आए। अपना खुद का घर चाहते हैं तो मिट्टी का छोटा सा घर लाकर पूजा के स्थान में रखें। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 9 दिनों में कभी भी पताका यानी कि ध्वजा लाल रंग की हो लेकर आएं और उसे खरीद कर 9 दिनों तक पूजन करें और नवमी के दिन किसी देवी मंदिर में अर्पित करें। आर्थिक कष्टों से मुक्ति के लिए चांदी की कोई भी शुभ सामग्री लाकर देवी जी को अर्पित करें। नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो 3 नारियल लाकर पहले घर में रखें और नवमी के दिन मंदिर में ज़रूर चढ़ाइए। आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या चमकीली सफ़ेद सामग्री ज़रूर खरीदेगा। नवरात्रि के दिन मौली खरीद कर उस पर 9 गांठें लगाकर देवी जी को अर्पित करें और फिर उसे सदा अपने पास रखें तो हर कार्य में सफलता मिलती है। अपार धन संपत्ति के लिए इन 9 दिनों में किन्नर से पैसा लेकर तिजोरी या पर्स में ज़रूर रखिएगा। और सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं तो सारी सुहाग के श्रृंगार सामग्री जैसे कि कांच की चूड़ियाँ, काजल, कुमकुम, मंगलसूत्र, चूड़ी, कंघी, बिछिया, चुनरी खरीदें और काली माँ को नवमी के दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। तो ये सारी खास बातें लेकर आऊँगी मैं, श्रुति द्विवेदी, केवल तंत्र मंत्र और विज्ञान में एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।